देश के आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिक आशीर्वाद कार्यक्रम का आयोजन रेल विहार स्थित एक निजी पैलेस में किया गया। इस दौरान हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल ने वरिष्ठ नागरिकों को अंग वस्त्र एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में इंजीनियर पी के मल ने बताया कि आज़ादी के 75वें महोत्सव का कार्यक्रम वरिष्ठ अतिथियों के बिना संभव नहीं है, क्योंकि इन्होंने 75 बसंत देखे हैं। उन 75 वर्षों की यात्रा में इन्होंने अनेक उतार चढ़ाव, सामाजिक राजनीतिक सहित कई क्षेत्रों में परिवर्तन देखे हैं। आज़ादी का महत्व सिर्फ इन्हें ही पता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल ने कहा, इनके बारे में कुछ बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आपका एक विशेष योगदान रहा इस कार्यक्रम को कराने में। जिसको लेकर के हम लोग हर घर पहुंचे थे और लगभग गोरखपुर के 5 से 7 हजार परिवारों तक हमने इस अभियान को चलाया था आदरणीय पी के मल जी के नेतृत्व में। सामाजिक कार्यों में हमेशा हम लोगों के अग्रणी रहते हैं। बहुत कोई अलग संस्था नहीं है ऐसी कि देश के बाहर से हम लोग चले आए हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपका देश चला, ऐसा तो है। हम तो आप ही के हिस्सा हैं, फौजी के हैं, फौजी आप ही के भाई बंधु हैं। अगर हम अपनी भाषा में कहें तो फौजी को सिर्फ थोड़ी सी चीजें सिखाई जाती जो हम सबको हर नागरिक को पता होनी चाहिए। पर एक बात मैं बताऊं, बहुत अहम जो हमको हमेशा कचोटी और अभी यहाँ बैठे बैठे सिंह साहब से उठी हुई चर्चा हो रही कि हम लोग को स्वतंत्रता मिले, आजादी मिले तकरीबन 75 साल हो गए हम लोग ये समारोह मना रहे 75 साल ये रखी। पर सबसे दुर्भाग्यपूर्ण जो था, जो हम लोगों के रहनुमा थे, आज राप्ती नगर के रेल विहार में हम लोग स्थानीय जो हमारे अति वरिष्ठ नागरिक हैं उनके बीच में आज़ादी के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम इनके बिना, इनकी सहभागिता के बिना संभव नहीं है, क्योंकि इन्होंने 75 बसंत देखे हैं और उन 75 वर्षों की अपनी यात्रा में इन्होंने अनेक उतार चढ़ाव सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में देखे हैं। और हम लोग एक भौगोलिक आज़ादी के बाद आज एक सांस्कृतिक आज़ादी की ओर अग्रसर है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में। तो इसका एक आनंद उत्सव का हर की सहभागिता के साथ संभव है। इन्हीं के लिए इनके आशीर्वाद से कार्यक्रम संभव होगा। आज का कार्यक्रम इसी को समर्पित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आज़ादी के हमारे 75 वर्ष हो गए और आज़ादी का वास्तविक मतलब क्या है ये सब लोगों को समझना पड़ेगा। हमें भूख से आज़ादी मिली, हमें एक डर से आज़ादी मिली, हमें बीमारी से आज़ादी मिले और हमें एक सांस्कृतिक आज़ादी मिले। तो ये सब की ओर हम अग्रसर हैं और उसको अनुभव हम लोग कर सकें, इसी को एक सेलिब्रेट करें, इसी के लिए कार्यक्रम आयोजित है।